दोस्तों, आपने साल 2001 में आई फिल्म कभी खुशी कभी गम तो जरूर देखी होगी, जो कि एक पारिवारिक ड्रामा से भरपूर फिल्म थी। इस फिल्म में मुख्य किरदार निभाते हुए बॉलीवुड के किंग ऑफ रोमांस शाहरुख खान और क्यूट सी अदाकारा काजोल नजर आई थी, जिन्होंने अपनी ब्रिलियंट एक्टिंग से लोगों को अपना दीवाना बना दिया था। लेकिन दोस्तों, वहीं इस फिल्म को रिलीज हुए पूरे 19 साल हो गए हैं, पर क्या आप जानते हैं कि इन बीते 19 सालों में ये कलाकार आज इतने ज्यादा बदल गए हैं, जिन्हें शायद आप पहली नजर में पहचान ना पाए। इसलिए आज के इस वीडियो में हम आपको इन्हीं के बदले हुए अवतार से रूबरू करवाएंगे। अगर आप भी इन कलाकारों से मिलना चाहते हैं तो हमारे साथ इस वीडियो के एंडिंग तक बने रहें, और साथ ही वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें। नंबर 5, अमिताभ बच्चन। इस फिल्म में यशवर्धन रायचंद का किरदार निभाते हुए बॉलीवुड के महानायक अमिताभ बच्चन नजर आए थे, जिन्होंने फिल्म में शाहरुख खान और ऋतिक रोशन के पिता का किरदार निभाया था और इस किरदार के साथ काफी फेमस हो गए थे। पर क्या आप जानते हैं कि इस फिल्म में यशवर्धन रायचंद का किरदार निभाकर प्रसिद्ध हुए अभिनेता अमिताभ बच्चन इन बीते 19 सालों में काफी बदल चुके हैं। आज इनकी उम्र 77 साल की हो गई है और आज ये पहले जितने नौजवान एंड हैंडसम भी नजर नहीं आते। समय के साथ साथ इन पर बुढ़ापा साफ साफ देखा जा सकता है। वर्तमान में भी ये फिल्मों में सक्रिय हैं और अपनी आने वाली फिल्म ब्रह्मशास्त्र की शूटिंग में लगे हुए हैं। नंबर 4, जया बच्चन। फिल्म में यशवर्धन रायचंद की पत्नी नंदिनी रायचंद का किरदार अभिनेत्री जया बच्चन ने निभाया था और इस किरदार को शिद्दत से निभाकर दर्शकों के बीच काफी फेमस हो गई थी। पर क्या आप जानते हैं कि इस फिल्म में यशवर्धन रायचंद की पत्नी नंदिनी रायचंद का किरदार निभाने वाली जया बच्चन इन बीते 19 सालों में काफी बदल चुकी हैं। आज इनकी उम्र 72 साल की हो गई है और ये पहले जितनी खूबसूरत भी नजर नहीं आती। उम्र के साथ साथ इनकी खूबसूरती भी ढल गई है और ये आज काफी बूढ़ी नजर आती हैं। वर्तमान में ये अभिनय छोड़कर घर गृहस्थी संभालती हैं। नंबर 3, आलोक नाथ। फिल्म में अंजलि शर्मा के पापा बाबूजी का किरदार अभिनेता आलोक नाथ ने निभाया था, जिन्होंने अपने साधारण व्यवहार और अच्छी एक्टिंग से लोगों का दिल जीत लिया था और फेमस हो गए थे। पर क्या आप जानते हैं कि फिल्म में अंजलि शर्मा के पापा बाबूजी का किरदार निभाने वाले आलोक नाथ इन बीते 19 सालों में पहले से काफी बदल चुके हैं। आज ये 63 साल के हो गए हैं और पहले जितने यंग नजर, साथ साथ इन पर बुढ़ापा भी झलकने लगा है। वर्तमान में भी ये फिल्मों में सक्रिय हैं। इन्हें हाल ही में आई फिल्म सोनू की टीटू की स्वीटी और दीदे प्यार दे में देखा गया था। नंबर 2, मालविका राज। इस फिल्म में पूजा शर्मा यानी कि करीना कपूर के बचपन का किरदार अभिनेत्री मालविका राज ने निभाया था, जिन्होंने अपने चुटकुले और नटखट अंदाज से दर्शकों का ध्यान अपनी तरफ खींच लिया था। लेकिन क्या आप जानते हैं कि करीना कपूर के बचपन का किरदार निभाने वाली कलाकार इन बीते 19 सालों में पहले से ज्यादा बदल चुकी है। आज इनकी उम्र 23 साल की हो गई है और पहले से काफी ज्यादा हॉट एंड बोल्ड हो गई हैं। हालांकि इस फिल्म के बाद मालविका ने इंडस्ट्री छोड़कर पढ़ाई पर फोकस किया, लेकिन आपको बता दें कि मालविका राज दोबारा से फिल्मों में डेब्यू करने की तैयारी में लगी हैं और जल्द ही बॉलीवुड के मशहूर विलेन डैनी के बेटे रिंजिंग के साथ स्क्वाड फिल्म में बतौर लीड एक्ट्रेस नजर आएंगी। नंबर 1, कविश मजूमदार। फिल्म में गोलू मोलू लड्डू का किरदार निभाया था, जिनका किरदार फिल्म में रोहन रायचंद यानी कि ऋतिक रोशन के बचपन का था, जिसे इन्होंने काफी अच्छे से पर्दे पर उतारा था और फेमस हो गए थे। लेकिन क्या आप जानते हैं कि फिल्म में ऋतिक रोशन के बचपन लड्डू का किरदार निभाने वाले कविश मजूमदार इन बीते 19 सालों में आज पहले से काफी ज्यादा बदल चुके हैं। आज ये काफी बड़े हो गए हैं। जहां ये पहले काफी गोलू मोलू नजर आते थे, आज ये क्यूट के साथ साथ फिट एंड हैंडसम ही नजर आते हैं, जैसा कि आप इनकी इन तस्वीरों में भी देख सकते हैं। वर्तमान में कविश मजूमदार फिल्मों में सक्रिय हैं और अब तक कई फिल्मों में काम कर चुके हैं, जिनमें बैंक चोर, गोरी तेरे प्यार में और केजीएफ जैसी कई फिल्मों में ये काम कर चुके हैं, और इसके अलावा ये असिस्टेंट डायरेक्टर के तौर पर भी काम करते हैं। तो दोस्तों, आपने इस फिल्म को कब देखा था और आपके हिसाब से इस फिल्म में सबसे अच्छा अभिनय किसने किया था? आप हमें अपनी राय कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं, और साथ ही बॉलीवुड इंडस्ट्री से जुड़ी ऐसी मसालेदार खबरों को जानने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।